बच्चों, अगर आप CBSE के क्लास 10th या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है टर्म 1 का, टर्म 2 का एग्ज़ाम आपका हो रहा है, तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि इस बार आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, पास क्राइटेरिया क्या होगा और वेटेज ऑफ मार्क्स कितने होंगे और उसके आधार पर रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अगर 30-70 का रेशियो लगा, 30-70 का वेटेज हुआ तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, 70-30 का हुआ तो रिजल्ट कैसे बनेगा, 100-100 का हुआ यानी 50-50 या 100-100 जो भी कह लो उसका होगा तो आपके रिजल्ट कैसे बनेंगे, नंबर का कैलकुलेशन कैसे होगा और अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म का बन गया तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में समझा देता हूँ क्योंकि इस तरीके का कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है बच्चों। तो पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट करके दीजिएगा कि आपके अनुसार इस बार CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट प्रिपरेशन में वेटेज क्राइटेरिया क्या होगा, 30-70 का होगा, 70-30 का होगा, 100-100 या 50-50 का होगा या बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स का होगा। और आपके हिसाब से तो जो लग रहा है वो लग ही रहा है। मैं तो बच्चों ये चाह रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म का हो, लेकिन इसकी संभावना तभी है जब आप इसकी डिमांड करेंगे। तो आप इसका डिमांड करना चाह रहे हैं या नहीं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा और इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। आओ अब समझ लेते हैं कि किस में आपका फ़ायदा है, किस में नुकसान है और अगर कोई वेटेज आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके नंबर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा और पास होते होते आप फेल तो नहीं हो जाएंगे, इसको आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों अभी जिस चीज़ पे चर्चा हो रही है वो है 30-70 का रेशियो। कुछ लोग 70-30 का कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों में बराबर रेशियो होगा, जितना टर्म 1 का माना जाएगा उतना टर्म 2 का, तो चाहे 50-50% कह लें या 100-100% कह लें, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म का हम मानेंगे। अब देखो रिजल्ट कैसे बनेगा, मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आओ इसको हम समझा देते हैं। पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक केस को समझा करके। तो बच्चों मान लेते हैं पहला केस कि 30-70 का वेटेज लग जाए। 30-70 का वेटेज लगने का मतलब ये है कि जो टर्म 1 है उसके मार्क्स को 30 मान लिया जाए और टर्म 2 के मार्क्स को 70 मान लिया जाए, तो टोटल जो होगा बच्चों टोटल पे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 ही रहेंगे। मतलब जो आपका पास क्राइटेरिया होगा वो पास क्राइटेरिया कभी चेंज नहीं होगा। मतलब 33% का क्राइटेरिया है वही फॉलो होगा, उस पर मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उसको जाकर के आप देख लीजिए। पास क्राइटेरिया वाले वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मतलब जो टोटल होगा बच्चों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, टोटल तो 100 का ही रहेगा। अब मान लेते हैं कि टर्म 1 में जो एग्ज़ाम हुआ, टर्म 2 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आ चुका है या उसमें आपने एग्ज़ाम दे दिया है और टर्म 1 और टर्म 2 में 50 में से 50 आपने स्कोर कर लिया है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से समझ जाओ। मान लेते हैं फुल मार्क्स आपको मिल गए। अब ये जो मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ये मार्क्स आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के मिला करके मिलेंगे, क्योंकि टर्म 1 में 50 तभी आएगा जब आप थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल को जोड़ेंगे। तो मैंने मान लिया कि दोनों में आपको 50 मार्क्स मिल गए टर्म 1 में और दोनों में 50 मार्क्स मिल गए टर्म 2 में। अब अगर 30 और 70 का वेटेज मिला तो टर्म 1 के मार्क्स को जो 50 है 50 को रिड्यूस करके 30 कर दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि 50 को रिड्यूस करके 30 कर दिया जाए और टर्म 2 के जो मार्क्स आए हैं उसमें चूंकि वेटेज 70 का है इसलिए जो 50 मार्क्स हैं इसको बढ़ा करके 70 कर दिया जाए। इसका मतलब ये है बच्चों, अब ध्यान से समझना इस बात को, कि अगर आप टर्म 1 के मार्क्स आपको पता हैं तो जितने नंबर आप पाए हो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल टोटल मिला करके आपके 15 मार्क्स हैं तो 0.6 से मल्टीप्लाई करने पर आपके आएंगे 9 मार्क्स, यानी कि टर्म 1 में नंबर घटेगा कंपेरेटिवली। अब अगर टर्म 2 की बात करें, टर्म 2 में से अगर आप 50 मार्क्स आपको मिला है तो ये 70 में कन्वर्ट होगा, मतलब इसमें फ़ायदा है। अब यानी कि एक नंबर अगर आपको टर्म 2 में मिल रहा है तो उसका 1.4 मार्क्स कैलकुलेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि अगर आपको 10 नंबर मिले हैं आपके थ्योरी एग्ज़ाम में तो ये 10 नंबर 14 अंकों के बराबर होंगे। तो इस तरीके से आपका रिज़ल्ट बनेगा 30 और 70 के क्राइटेरिया पे। एक चीज़ मैं और बता दूँ,
इसमें भी ये जो टोटल मार्क्स हैं ये कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे 50 चेंज हो गया 30 में और 50 चेंज हो गया 70 में, तो चाहे 50-50 जोड़ के 100 कर लो या 30-70 जोड़ करके 100 कर लो, जो आपका ओवरऑल मार्क्स है या जो टोटल नंबर है वो 100 ही बना रहेगा, यानी पास क्राइटेरिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपके टर्म वन में किस सब्जेक्ट में कितने अंक हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो। जैसे आपको 50 अंक मिले, इस 50 में से 40 मिल गए आपको हिंदी की थ्योरी में, तो 40 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24 मार्क्स, मतलब 40 न मान करके 24 माना जाएगा। और जो 10 अंक मिले हैं, 10 अंक का 6 अंक जोड़ा जाएगा आपका, टोटल मिला करके 30 हो जाएगा। ये टर्म वन की बात है क्योंकि इसका वेटेज कम हुआ है। ऐसे ही चूंकि टर्म टू का बढ़ा है वेटेज, तो जितना नंबर पाए हो उसमें 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेना, चाहे थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो या आपके इंटरनल असेसमेंट का हो। तो इस तरीके से आपको अगर ये वाला रेशियो लगा और आपके टर्म वन में अच्छे नंबर आए होंगे तो आपका नुकसान होगा, टर्म टू में अच्छे आए होंगे तो आपका फ़ायदा होगा। आओ बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। दूसरा कंडीशन बच्चों ये है कि अगर 70-30 का वेटेज लगा, 70-30 का वेटेज की मतलब आपको टर्म वन में ज़्यादा अंक मिलेंगे और टर्म टू में कम अंक मिलेंगे। जैसे कि अगर टर्म वन में आप 50 नंबर पाए हो तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 70 में, यानी कि एक नंबर बदल जाएगा 1.4 मार्क्स में। यानी कि अगर आप 10 अंक पाए हैं, 10 नंबर पाए हैं टर्म वन में, तो आपके 14 अंक माने जाएंगे। ऐसे ही टर्म टू में अगर हम कैलकुलेट करें तो टर्म टू में जो 30 नंबर है, 30 में से 30, चूंकि इसका 30 नंबर में चेंज कर रहे हैं, तो जो 50 मार्क्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे 30 में। यानी अगर आप टर्म टू में एक नंबर पाए हो तो आपका 0.6 मार्क्स माना जाएगा, अगर आपको 10 अंक मिले हैं तो वो 6 ही अंक जोड़े जाएंगे। यानी कि आपका फ़ायदा तब है अगर 70-30 का रेशियो लगा, तो टर्म वन में ज़्यादा नंबर पाए होगे तो फ़ायदा होगा और टर्म टू में कम नंबर पाए होगे तो भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर 70-30 का रेशियो लग गया और आपके टर्म टू में अच्छे मार्क्स हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। एक क्राइटेरिया ये है बच्चों। अब ये क्राइटेरिया जो अभी हमने बताया 70-30 का, ये 30-70 का जस्ट उल्टा है, आपने भी देखा होगा। और इस तरीके से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो कि 30-70 में आपका फ़ायदा हो रहा है या 70-30 में फ़ायदा हो रहा है। अब जिन बच्चों का टर्म वन में ज़्यादा बढ़िया नंबर आया है वो लोग चाहेंगे कि 70-30 का क्राइटेरिया फॉलो हो, क्योंकि टर्म टू का पेपर उनका ख़राब जा रहा है। जिन बच्चों का टर्म टू में अच्छा नंबर आया है वो चाहेंगे कि 30-70 का क्राइटेरिया फॉलो हो। अब CBSE के सामने इस वजह से आ जाएगी दिक्कत। तो अब CBSE के लिए आसान क्या है? CBSE के लिए आसान है कि भैया 50-50 या 100-100 का रेशियो लगा दें, जितने नंबर आपको टर्म वन में मिले हैं उतना जोड़ दें, जितने टर्म टू में मिले हैं उतना जोड़ दें, और जो कंप्लीट मार्क्स आपके आए हैं उसको ऐड करके रिजल्ट बना दें, तब भी 100 ही रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका रिजल्ट जा करके देख लीजिए। लिंक में इसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसकी मैं मार्कशीट दिखा देता हूँ कि जितने नंबर आपके आएंगे टर्म वन में और जितने टर्म टू में आएंगे वो दोनों मिला करके आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये है इस तरीके से। इस पर देखो क्लास टेंथ की मार्कशीट ऐसे बनेगी। 100% अगर क्राइटेरिया लगा तो टर्म वन के सारे नंबर, जैसे टर्म वन में 40 मिले और टर्म टू में आपके 35 मिले टोटल, तो जोड़ करके 75 हो जाएंगे। ऐसे ही क्लास 12 की भी मार्कशीट है, आप यहाँ भी देख लो, 50 मिले टर्म वन में, 40 मिले टर्म टू में, जोड़ करके 90 मार्क्स हो गए। तो अब कौन सा क्राइटेरिया CBSE फॉलो करती है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन बच्चों अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म का क्वालिफाई कर लेती है, तो अगर आपके टर्म वन में जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं उसमें 70% टर्म वन का ले ले, जिसमें टर्म टू में ज़्यादा हैं उसमें 70% टर्म टू का ले ले। इसका मतलब है कि जो क्राइटेरिया है 30-70 का भी लगाए और 70-30 का भी लगाए आपके लिए, तो जिसमें टर्म वन में ज़्यादा अंक हैं उसमें ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर ले, जिसमें टर्म टू में ज़्यादा अंक है उसमें ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर ले, और इस आधार पर आपका रिजल्ट बनाए, तो आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा और बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। अब आपकी डिमांड क्या है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो समझ में आया या नहीं आया ये भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर समझ में आया है तो शेयर कर दीजिएगा और हमारे भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।